एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम खाने वाले हैं पपीते की सब्जी, तो चलिए पपीता तोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखो मानसी इधर है। मानसी इस्काई, देखो बारिश होने वाला है, दो तीन दिन से बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सर्दी बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर पपीता है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पपीता है, लेकिन ये अभी काफ़ी छोटा है तो इसे नहीं तोड़ेंगे। और हमने पहले भी तोड़ के रखा है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4। तो पपीता का सब्जी बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल तोड़ते हैं। यहाँ पर ना इसको बीच बीच में से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में जब ऐसे करके चिपक जाता है ना, ऐसे करके मतलब एक दूसरे से चिपके रहते तो फिर ख़राब हो जाता है। और ये देखो यहाँ पर ऐसा दाग, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल। देखो ये चिपका हुआ है, तो देखो ये कैसा हो गया है ये। फिर यहाँ अभी ये इसको अगर नहीं तोड़ा बीच बीच में से तो ये आपस में चिपक चिपक के ख़राब हो जाएंगे, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ पर 4 तोड़ रखा है, लेकिन अभी एक आप लोगों को दिखाने के लिए तोड़ता हूँ। इस साइड से तोड़ूँ, ये काफ़ी ऊंचा है, इसको तोड़ता हूँ। तो यहाँ पर एक तोड़ दिया। देख, जब हम पपीता तोड़ते तो उसमें से ऐसे करके ये गिरता है दूध की तरह। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो ये दूध है अगर आँख में गिर जाए तो फिर क्या होगा, आँख को नुकसान पहुँचाता है। तो इसको अभी थोड़ा देर इधर रखते हैं। हाँ मानसी, मानसी को दिखाओ ना, बोल रही है। हाँ आ रहा हूँ वेट। तो अभी हमने तोड़ दिया, तो देखो तोड़ने के बाद में भी इसमें से ये दूध के जैसा गिरता रहता है। ये देखो इसमें से गिर रहा है, इसे हम चोप बोलते हैं, चोप गिरता रहता है। तो अभी ये तोड़ दिया, अब इसको उठा के लेके जाएंगे। अभी थोड़ी देर इधर ही ज़मीन में ऐसे गिरने देंगे जब इसका थोड़ा और दूध निकल जाएगा, क्योंकि ये ना अगर इसको तोड़ेंगे नहीं ना तो ये हाथ में मतलब इसको थोड़ा गिरने नहीं देंगे, ऐसा चिपका चिपका हो जाता है। तो थोड़ी देर इधर ही इसको रहने देंगे, उसके बाद में प्लास्टिक में डाल के अंदर लेके जाएंगे और पकाएंगे और खाएंगे आज हम। ओके, तो चलो मानसी, अभी कुछ मेरे को कहीं पर जाना भी है, कुछ काम है। मानसी का मैं जमा करता हूँ पैसा हर महीने, सुकन्या, तो उसमें पैसा जमा करना है। 3 महीने से नहीं दिया, अभी एक बार में ही 3 महीने का जमा कर दूंगा मैं सुकन्या मानसी का। तो ये देखो मानसी, चलो मानसी अभी चलते हैं, सुकन्या जमा करेंगे, उसके बाद में पपीते की सब्जी बनाएंगे और खाएंगे। तो अभी गंगा ने पपीता काट लिया है, एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और गंगा जय मसीह की, जय मसीह। ओके, तो अभी यहाँ पर मानसी के लिए भी पपीता और गाजर बॉईल कर रहे हैं। अभी थोड़ा नरम हो जाएगा ना तो इसको कम तेल में फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर तेल चढ़ा रखा है, तेल अभी तक गर्म नहीं हुआ है। और मानसी यहाँ पर आइसक्रीम खा रही है, अपना टैंग वाला आइसक्रीम। मानसी जय मसीह, मानसी जय मसीह, जोड़ ले वाला जय मसीह, गुड गर्ल। ओके खाओ। ओके, तो मानसी वहाँ पर खुद ब खुद पढ़ रही थी। ये इसके लिए हमने ऐसे ला दिया था, एक्चुअली गंगा ने खरीद दिया। इसमें ऐसा 1, 2, 3 पर क्या क्या होता है, और पेन से इसके ऊपर लिखो मैजिक पेन से, वो फिर मिट जाता है अपने आप। तो ये ला दिया था, बोल रही थी पापा मैं पढ़ूंगी, और इसके ऊपर लिख रही थी। खैर, कार्टून भी देख रही है, कार्टून में 1, 2, 3, 4 ये सब देखती है, ABCD। और अभी वो फ़िलहाल उधर आइसक्रीम भी खा रही है। और ये अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ये मेथी डालेंगे। मेथी फूटना चालू हो चुका है, अभी थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसको आज हम, और सूखी मिर्च 2। पपीता का सब्जी एक्चुअली ना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ऐसा माना जाता है कि पपीता जो है, माना जाता है और है भी, पपीता जो है वो हेल्थ के लिए एक्चुअली में मतलब लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। प्याज डाल दिया गंगा ने, प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद में क्या डालोगी? हाँ, और ये है फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स। अब मैंने घर में ही बनाया था, इसको इसमें थोड़ा डाल के बनाएंगे।
अगर ये नहीं है तो इसके जगह में खटास के लिए टमाटर डाल सकते हैं। तो प्याज थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। हाँ इतना काफ़ी है। हाँ ठीक है ठीक है, इतने में खटास आएगा। थोड़ा और डालो, थोड़ा सा और पत्ती को उनका अंदर थोड़ा और डालो। बस हाथ लेना आला। बस इतना डालेंगे बैम्बू शूट्स, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। डाल दूँ? प्याज ब्राउन हो गया तो बैम्बू शूट्स डाल दिया है, इससे खटास और टेस्ट एकदम अलग टेस्ट होता है इसका। ये बोलने से मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगा, खाने के बाद ही पता चलता है। हल्दी डाल दिया, नमक, इसके साथ हम खाएंगे आज चावल। हम ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। थोड़ा सा MSG अजीनोमोटो डाल दिया है। डाल दीजिए, डाल दो। पपीता, तो अभी पपीता का सब्जी पक चुका है। बहुत ख़तरनाक भूख लग रहा है मेरे को। तो ये देख लीजिए, ये पपीता एकदम अच्छे से पक चुका है, पपीता विथ बैम्बू शूट्स मैंने यहाँ पर ले लिया है। और ये मिर्ची देखिए, ऐसी मिर्ची आपने कभी देखी है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऐसी मिर्ची देखी होगी। इसे कहते हैं डल्ले खोर्सानी नेपाली में, या तो इसको चेरी पेपर भी बोलते हैं। ये बहुत ख़तरनाक तीखा होता है। गोश्त पेपर के बाद में ये दूसरा है डल्ले खोर्सानी, जो तीखा होता है बहुत, चेरी पेपर भी बोलते हैं। तो चलिए प्रार्थना करते खाते हैं। धन्यवाद ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने ये खाना दिया। खाना खा के शक्ति ताकत बल और बुद्धि दे, ऐसे हमें आगे भी तू खाना देता जा प्रभु, ताकि तेरे काम में हम काम आ सकें और अच्छा रास्ते में चल सकें। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमीन। वैसे मैं अपने लोकल लैंग्वेज में प्रार्थना करता हूँ, तो थोड़ा हिंदी में प्रार्थना करना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर मीट भी है, हम देख सकते हैं। अब तो चलिए खाना शुरू करते हैं। तो अभी बैम्बू शूट विथ पपाया खाते हैं। पहले बैम्बू शूट और पपाया बनाया है। मैं बैम्बू शूट का टेस्ट बहुत पसंद है मुझे, फर्मेंटेड बैम्बू शूट। फर्मेंटेड बैम्बू शूट का एक अलग अपना टेस्ट होता है, जो बताना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, वो टेस्ट करके पता चलेगा। अच्छा हुआ है टेस्ट, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा। चेरी पेपर, तीखा है बहुत। बहुत तीखा है ये चेरी पेपर, बहुत ख़तरनाक तीखा। लेकिन टेस्ट इसका भी अलग टेस्ट होता है, चेरी पेपर का एक अलग फ्लेवर होता है जो हरी मिर्च में नहीं होता। वो भी बता पाना मुश्किल है कैसा फ्लेवर होता है, वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट करोगे। लेकिन बहुत ख़तरनाक तीखा होता है ये चेरी पेपर। मीट मैं बताऊंगा नहीं, मीट किस चीज का, क्योंकि लोग जज करना शुरू कर देते, इसलिए बताऊंगा नहीं। गंगा भी आओ खाओ,
गंगा भी आएगी खाएगी। बहुत मिर्ची है। तो पपीता एकदम अच्छे से गल गया है। देखिए हमने ना जो कढ़ाई में इसको बिठाया था तो कढ़ाई में पक नहीं रहा था, बहुत समय ले रहा था, तो हमने क्या किया कुकर में डाल के थोड़ा पानी डाल के सीटी लगा दिया। अभी थोड़ा सा मीट का झोल लेंगे, इसे मिक्स करेंगे मीट के झोल को। थाली घूम रहा है इधर से उधर, एक हाथ में कैमरा है इसीलिए। गंगा भी आ गई, हाँ तुम भी हो। मानसी उधर बैठी हुई है, मानसी अपनी सब्जियाँ खा रही है, कार्टून भी देख रही है। मैंने इतना सा टुकड़ा लिया था इसका, इतना में हालत बुरा हो गया। मैं एकदम थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ, इतने में हालत बुरा, खतरनाक तीखा होता है ये। अच्छा हुआ मानसी, मानसी हाय हाय। खाओ खाओ, वो खा रही है अपना सब्जी खा रही है और कार्टून भी देख रही है, अलग सोया हुआ है। बाप रे खतरनाक तीखा है, गोश्त पेपर तो इससे भी ज़्यादा तीखा होता है। गोश्त पेपर बस इतना सा खाओ बस काम तमाम, उसके बाद आप खा नहीं पाओगे। तो कच्चा पपीता बनाइए खाइए। हेलो बाय बाय। तो आप लोग भी बनाइए खाइए कच्चा पपीता का सब्जी और बताइए कैसा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। ये फिनिश करूँगा पूरा।